बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए लामबंद हुए कलाकार। बीजेपी के खिलाफ 600 हस्तियों ने कौन सी अपील की है? आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सियासी पारा गरमाता जा रहा है। एक और जहां पूरा विपक्ष केंद्र की बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हुंकार भर रहा है, तो वहीं बॉलीवुड एक्टर थिएटर से जुड़े करीब सैकड़ों हस्तियां लामबंद हो गए हैं। हालांकि इनमें से कई ऐसे कलाकार और एक्टर हैं जो इससे पहले भी मोदी सरकार पर निशाना साध चुके हैं। दरअसल बॉलीवुड एक्टर नसीरुद्दीन शाह समेत थिएटर और आर्ट से जुड़ी 600 से ज्यादा हस्तियों ने बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील की है। सभी हस्तियों ने एक चिट्ठी लिखकर लोगों से कहा है कि वोट डालकर बीजेपी और उसके सहयोगियों को सत्ता से बाहर करें। अपील करने वालों में अमोल पालेकर, नसीरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, अनुराग कश्यप और कोकर्णा सेन सरीखे चर्चित हस्तियां शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सभी हस्तियों ने जोर देते हुए कहा कि भारत की ओर इसके संविधान की अवधारणा खतरे में है, इसलिए बीजेपी को वोट ना करें। करीब 12 भाषाओं में जारी हुई इस चिट्ठी को आर्टिस्ट यूनाइटेड इंडिया वेबसाइट पर डाला गया है। इस चिट्ठी में लिखा गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव देश के इतिहास के सबसे अधिक गंभीर चुनाव है। आज गीत, नृत्य, हास्य खतरे में है। हमारा न्यारा संविधान खतरे में है। सरकार के उन संस्थाओं का गला घोट दिया है जहाँ तर्क, बहस और असहमति का विकास होता है। किसी लोकतंत्र को सबसे कमजोर और सबसे अधिक वंचित लोग को सशक्त बनाना चाहिए। कोई लोकतंत्र बिना सवाल, बहस और सजग विपक्ष के बिना काम नहीं कर सकता। इन सभी को मौजूदा सरकार ने पूरी ताकत से कुचल दिया है। सभी बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए वोट करें, संविधान का संरक्षण करें और कट्टरता, घृणा और निष्ठुरता को सत्ता से बाहर करें। इस चिट्ठी पर कोकर्णा सेन, मकरंद देशपांडे और अनुराग कश्यप जैसी हस्तियों ने दस्तखत भी किए। आपको बता दें कि इससे पहले 100 से ज्यादा फिल्म मेकर्स भी आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील कर चुके हैं। हालांकि इन लोगों से इतर अभिनेत्री कंगना रनौत, अनुपम खेर, परेश रावल, विवेक ओबेरॉय, अक्षय कुमार समेत कई ऐसे बड़े शख्सियत भी हैं जो खुले तौर पर मोदी सरकार के प्रति अपना समर्थन जता चुके हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में बॉलीवुड के इन कलाकारों के बीच सियासी बयानबाजी जमकर हो सकती है। इंडिया न्यूज़ 12 की रिपोर्ट।